नमस्कार स्वागत है आपका मैथ्स मैथ्सिको चैनल पे सिक्सटी सिक्स बी प्री एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट वन है बैक टू बैक क्लासेस आएंगी बैक टू बैक टेस्ट लाया जाएगा

और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे पूरी तैयारी तो मात्र पचास रुपये प्रति महीने की फीस देकर आप डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे और ये व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर दिया हुआ है इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग देख सकते हैं जनरल स्टडी का ये सेट है और सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग और फटाफट आप सभी को नीचे कमेंट करके अपना आंसर देना है तीन सेकंड के अंदर अंदर ठीक है उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा पहला क्वेश्चन है मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रों की संख्या क्या है सभी को नीचे अपना अपना कमेंट करके बताना है और लास्ट में एक क्विज का क्वेश्चन रहता है तो उस क्विज का आंसर जो भी पहले देते हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है तो बहुत ही ध्यान से करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि अगले वीडियो में आप अपना नाम देख पाए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सात मात्रकों की संख्या है कौन कौन सी है लंबाई है मात्रा है ताप है और इलेक्ट्रिसिटी है उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता हो गया पदार्थ की मात्रा टोटल सात होते हैं क्लियर है चलिए अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दो उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है देखो कहीं भी अगर बात कर दिया जाए कि विद्युत आवेश आवेश मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आवेश कहलाता है ना है ना पॉजिटिव हो या नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित इलेक्ट्रोस्कोप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याद है चलो एक होता है इंडोस्कोप जो कि बायोलॉजी में यूज करते हैं बायोलॉजिकल टर्म में और इसका यूज किया जाता है शरीर के अंदर के हिस्से को देखने के लिए क्लियर है चलिए अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीन प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है सभी को नीचे कमेंट करके आंसर देना है लाइव क्लासेस का टाइमिंग आप नोट कर लीजिए दोपहर बारह बजे शाम को छह बजे और रात को दस बजे क्लासेज होती हैं बी के लिए एन के लिए और एस के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे निर्वात में सबसे ज्यादा होती है ठीक है कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू पावर याद रखना है आप सभी को थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में अगर कांच में बात कर दी जाए तो टू इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है और वाटर में बात करते जल में बात करें तो टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर प्रति सेकेंड है हीरे में इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में नहीं पूछता है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चार कौन सी धातु विद्युत का सबसे सुचालक है

देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है सबसे पहले एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया लेजर का फुल फॉर्म क्या है तो आप लोग जरूर लिख लेना लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टमलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टमलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या बीपीएससी या बिहार से या यूपीएससी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और डी अगर चाहिए तो नीचे दिया है व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप का नंबर आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही तो लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है यानी एक से अधिक हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन सभी को आंसर करना है तीन सेकेंड के अंदर अंदर और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इस वीडियो में सेवेंटी फाइव एमसी कराया जा रहा है अगर आपको फुल लेंथ का टेस्ट चाहिए तो आप लोग जीरो नीचे कमेंट करना फुल लेंथ का वीडियो जरूर आएगा बस इस वीडियो पे अच्छे से लाइक और शेयर कर दो हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है फटाफट बढ़ेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक क्योंकि जमीन से हवाई जहाज की जब ऊंचाई होती है इसके कारण भी पेन से स्याही निकल आता है और दूसरी बात है कि वायु दाम में कमी के कारण भी होती है तो वन एंड टू तो दोनों हो नहीं, एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है जो गलत है वो आपको बताना है राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह यह एक परमाणु कण है गलत है है गलत बाकी सब सही ठीक है, है तो आप देख सकते हैं इसमें एक से, इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई है तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन इन केमिकल चेंजेस बताइए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भोजन का पकना जो है अगर इनकी स्थिति दें तो यह पूर्ण रूप से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर दस भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है ये आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है इसके लिए अवरोही क्रम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पे ऑक्सीजन फिर एल्यूमिनियम फिर सोडियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है ये थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि पीला रंग पूछा गया देखो अगर लाल पूछ दे लाल किसके कारण होता है तो एस्ट्रोनसियम के कारण होती है किसके कारण नाम याद रखना है आप सभी को एस्ट्रोनसियम के कारण जो होता है पटाखों में लाल रंग दिखाई देता है और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पटाखों में हरा रंग क्यों दिखाई देता है तो बेरियम के कारण दिखाई देता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में पीला रंग दिखाई देता है तो ये मार्क कर लेना टीका लगा दो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है एन ए एन ओ थ्री ठीक है यह भी याद रखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखेंगे फटाफट बढ़ेंगे आगे उसके पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देख लें क्योंकि यहाँ पे भारत के प्रमुख नदी बांध जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने इस वीडियो में बताया बांध और कौन से नदी पे स्थित है और किस राज्य में है बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बांध और ट्रिक बताया मैंने जरूर देखना है इसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर लफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन टू ओ ठीक है चलिए द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी संयोजन से 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 बनती है। right answer, और, और है? से बनती है। है? है। है। हो जाएगा। और 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 ठीक अगला question देखेंगे। यूरिया में में निम्नलिखित से कौन से तत्व पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी आप सभी को answer करना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन देखो सबसे पहले यूरिया का अगर आप फॉर्मुला देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा यूरिया का था CH4N2O, है? तो इसका right हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोश के अंग जाता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे में पढ़े थे हम लोग छोटे छोटे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है इंपॉर्टेंट है और यहां पे देख लो राइबोसोम को क्या कहा जाता है प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है राइबोसोम में होता है इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं इसको माइट्रोकॉन्डिया का सेल uh, का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी उस uh, यहाँ पे श्वसन वाली सारी क्रियाएं होती है और यहीं से एटीपी निकलती है एन, एनर्जी करेंसी जिसे बोलते हैं ठीक है चलिए तो ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं एटीपी एटीपी का फूफॉर्म फॉर्म ट्राई फॉस्फेट होता है इसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सोलह मानव शरीर में गुणसूत्रों में के कितने युग में पाए जाते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट का अगर आपको जाना है तो वीडियो देखना है और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में मिल जाएगा राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगर युग में अगर जोड़े बोला जाए तो तेईस हो जाएगा और संख्या की बात करें तो छियालीस हो जाएगा तेईस दो ना छियालीस अगला क्वेश्चन मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों वाला क्वेश्चन लेकिन टीका पहना दो इसको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि ग्रंथी लीवर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अठारह पौधे के अग्र भाग से उत्तक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं इस टेक्निक को क्या कहते हैं इस तकनीक को क्या कहा जाता है का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तक संवर्धन कहलाता है यह प्रक्रिया ठीक है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर डी नील हरित सवाल होता है ठीक है निम्नलिखित में कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है बच्चों वाला क्वेश्चन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जीन होता है ठीक है जीन इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है पढ़िए कौन सा सही नहीं है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरी बेरी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण होता है जो कि गलत है ये बी वन के कारण होता है ठीक है बेरी बेरी जो है बी वन की कमी के कारण होती है बाकी सारे यहाँ पे सही है अगला क्वेश्चन यदि किसी निश्चित कुट भाषा में ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको आपको करना है तो प्री नोमिनेशन को ऐसे लिखा गया तो प्रोमोशन को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले मैच कर लो पी को लिखा गया छ आर को लिखा गया आठ ई यहाँ पे नहीं है एम को लिखा गया है एम को लिखा गया यहाँ पे जीरो तो सिक्स एट जीरो से स्टार्ट हो रहा कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा करने की जरूरत भी नहीं है अगला क्वेश्चन देखेंगे और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे कराया जाएगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसको आप लोग घर में भी ट्राई करना श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करना है आपको तीन है सात है तेरह है सत्ताईस तिरपन है बहुत ईजी है देख सकते हैं आप तीन दुना छः प्लस एक तो एक बार जोड़ जा रहा है फिर डबल करके एक माइनस किया जा रहा है फिर डबल करके यहाँ पे जोड़ा जा रहा है फिर माइनस किया जाता है ऐसे करने पे लास्ट में क्या करना पड़ेगा तिरपन दुना एक सौ छह और लास्ट वाला में प्लस वन करना पड़ेगा तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा एक सौ सात आएगा क्लियर है चलिए इसका आंसर बताइए अब्दुल ने बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है पूरा यही लेवल आता है एग्जाम में क्वेश्चन का और मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे सेट से आपका कम से कम पचासी से सत्तासी क्वेश्चन एट्टी फाइव टू एट्टी सेवन क्वेश्चन आउट ऑफ वन फिफ्टी ठीक है आपके यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पड़ेंगे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दस मीटर होगा क्लियर है डायरेक्शन टेस्ट आप करना घर पे बैठ के और ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है रक्त संबंधी प्रश्न ट्वेंटी फाइव इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवंती भुवन का पुत्र है आप करना अच्छे से हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्वेंटी सिक्स एक वर्ष में इसका बताइए इतना दर से एक निश्चित जमा राशि पर इतना रुपया ब्याज है तो क्या होगा इसका आंसर बताइए ब्याज पूछा जा रहा है आप इसको सॉल्व करना है आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई आएगा ठीक है इनमें से कोई आंसर इसमें से नहीं आएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे ये देखिए संख्याओं का लसा मसा बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ईजी भी है तो क्या करना है तो सिर्फ मास, मासा गुणे लॉसा कर देना है और डिवाइड में जो दो संख्याओं का है एक संख्या दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कर देंगे और इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा तीन आएगा क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बताइए ये लीनियर लीनियर डायरेक्शन टेस्ट का है, का है है अरेंजमेंट अरेंजमेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दे रहा हूं आप घर पे सॉल्व करना है का राइट आंसर ऑप्शन थर्टी टू आएगा अभी भी जीके जी इसका क्वेश्चन बचे हुए हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रेनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है इसका आंसर सी आएगा सिक्सटी किलोमीटर पर आवर आएगा ये बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा हजार और ये जो है पाई चार्ट से क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं फिर पीडीएफ आपको तो मिलेगा ही तो ये गया क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अलग अलग क्वेश्चन लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पहले अगर आप बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो मात्र पचास रुपए प्रति महीने फीस देकर बिहार दरोगा पीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तैयारी करने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्या है क्वेश्चन ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त तो शब्द कौन सा था थर्टी टू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किकट शब्द का यूज किया जाता है करने के लिए प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी आपको याद रखना पड़ेगा थर्टी थ्री इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वंश ध्यान से देखना मेदिनी राय जो थे मेदिनी राय जो थे वो चेरो वंश के शासक थे और चंदेरी का युद्ध आपको याद होगा चंदेरी का युद्ध हुआ था आ, बाबर और चंदेरो की चंदेरी के बीच हुआ था कब हुआ था पंद्रह सौ ईस्वी में ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था पंद्रह सौ ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था बाबर और चंदेरी के बीच में हुआ था और कौन जीता था तो बाबर जीता था इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी कहा मिली थी राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो में मिली थी आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज दर्ज संहिता कौन सी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता हो जाएगा आप सभी को फटाफट कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में और लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन किया जाएगा जिसको जिसने भी क्विज का आंसर आंसर सबसे पहले दिया उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा तो जरूर जरूर, जरूर क्विज का टेस्ट जरूर लगाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए थर्टी सिक्स देखिए टोटल चार बौद्ध संगीतियां हुई थी कितने चार हुई थी मैंने एक ट्रिक बताया था रणवीर कपूर कहां था पीके में था है ना? रणबीर कपूर कहाँ था? था कैसे तो वो, वो राजगृह में हुआ था दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, था, था कुंडलवन में क्लियर है तो रणबीर कपूर पीके में था आरबीपी पीके ठीक है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तो क्या पूछा गया तृतीय पूछा गया ना तो तृतीय पी से क्या है यहां पे पाटलिपुत्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है आज के इस वीडियो में टोटल 75 फाइव एमसी है अगर आप चाहते हैं फुल 150 सौ एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस सेट लाया जाए आपके लिए तो जरूर आप नीचे कमेंट करके बताएं और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स अपना जरूर बनाए थर्टी सेवन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित था कैवल्य क्लियर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी किस शिला लेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था डी right मस्की शिलालेख ठीक है और मस्की शिलालेख ये कहां पाया जाता है ये कर्नाटक में है याद रखना प्लेस कभी कभार पूछ लिया जाता है अगला क्वेश्चन भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल के का दौरान से ही भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी ठीक है तीन सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा देखिए हाफ ऑफ द वीडियो खत्म हो चुका है और 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिया वीडियो पर जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे वीडियो को जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी और आपके लिए बैक टू बैक सेशन लाता रहूंगा और और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा फोर्टी बताइए मत विलास प्रहसन के रचिता कौन है राइट right आंसर ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वह मत विलास प्रशासन के रचिता है महेंद्र वन वन प्रथम के कौन से वंश से संबंधित है तो यह पल्लव वंश से संबंधित है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा पल्लव वंश से अगला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का देखिए टोटल पांच वंश आए दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश थे पांच राजवंश थे पहले कौन थे ध्यान रखना पहले थे तुगलक वंश सॉरी पहले गुलाम वंश आए थे जस्ट ए मिनट पहले आए थे गुलाम वंश तो पहले ये हो गए दूसरे आए थे तुगलक तो ये हो जाएंगे सेकेंड पे ठीक है थर्ड हो जाएगा सैयद तो नहीं है तो थर्ड हो जाएंगे आपका सैयद फोर्थ हो जाएंगे आपके खिलजी और फिफ्थ हो जाएंगे लोदी सबसे लास्ट ये लेकिन क्वेश्चन पूछा सबसे कम अवधि वाले हैं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा खिलजी वंश इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी ठीक है जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए इसे आप नोट करते रहे तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया किसके बीच लड़ा गया तालीकोटा का युद्ध देखो तालीकोटा के युद्ध एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध बोले या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोले या बन्नी हट्टी का युद्ध ये दो तीनों नाम एक ही है ध्यान देना तालीकोटा का युद्ध का दूसरा नाम राक्षसी तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध ठीक है कब हुआ था पंद्रह सौ पैंसठ ईस्वी में होता और किसके किसके बीच हुआ था इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच यह लड़ाई हुआ था इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद कर लेना क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही है ये बताना है यह बताना आपको पहले किनका जन्म हुआ फिर किनका जन्म हुआ फिर किनका जन्म हुआ, किन हुआ? यह आपको बताना है चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुज इनका जन्म का हुआ मैं लाइन से दिखा रहा हूँ एक हजार सत्रह में हुआ ठीक है फिर आगे गुरु नानक इनका जन्म चौदह सौ उनहत्तर में हुआ उसके बाद आगे चैतन्य जी तो चैतन्य जी का जन्म हुआ चौदह में और मीरा बाई का जन्म हुआ चौदह में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 45 भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट का सेट लाया जाएगा बस आपको क्या करना है वीडियो पे लाइक like और शेयर ये दो चीजें करनी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबर ठीक है सर्वप्रथम बाबर ने यूज किया था और कब यूज किया था पानीपत के युद्ध में किया था तो कौन से पानीपत के युद्ध में जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था याद रखना ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है बताइए देखिए बाबर जो है इनका कब्र काबुल में अकबर सिकंदरा हुमायूं दिल्ली में लेकिन जहांगीर का आगरा में नहीं होगा यहां पे यहां पे जहांगीर का लाहौर में होगा ठीक है तो ये गलत है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए अष्ट प्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी फोर्टी सेवन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा शुरू की गई थी इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ दे अष्ट दिग्गज के बारे में तो इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले यह बताएं कि अष्ट दिग्गज जो है अष्ट दिग्गज नामक प्रसाद व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी आपको नीचे कमेंट करके बताना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है कौन सा देश है जी क्या क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लाओस ठीक है और यह बिहार में एग्जाम में पूछा हुआ था इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है ध्यान दे रहा सबसे गहरी झील पूछी गई है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है अगर विश्व की सबसे सबसे बड़ा झील पूछ दिया जाए तो बड़ा हो जाएगा कैस्पियन सागर याद रखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पचास निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है Right विश्व का सबसे छोटा महासागर है अगर सबसे बड़ा पूछ देता तो सबसे बड़ा पूछ देता तो प्रशांत महासागर इसका हो जाता। एशिया की सबसे बड़ी नदी बताइए तो जेनरल सा जेनरल है है, सा है है। ये बहुत ही राइट आंसर ऑप्शन यांगजी यांगजी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमिलित नहीं है देखिए बुद्धू ये अरब ये जो है अरब की जनजाति है पिग्मी जो कांगो की और मसाई जो है केन्या की जनजाति है लेकिन दक्षिण कोरिया का एन्नू नहीं होती है ठीक है जो एन्नू होते हैं वो कहाँ के होते हैं ये जापान के हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है जापान की जनजाति क्या है एन्नू है चलिए निम्न निम लिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है उपश्रेणी नहीं है हिमालय की राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सयाद्री जो है उप श्रेणी नहीं है हिमालय की ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित तो नहीं है इसकी उत्पत्ति नहीं होती है यहां से बताइए चलो बता दो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थान त्रंबकेश्वर नहीं है त्रंबकेश्वर नहीं है तो कहां से होता है तो कहां से होता है सिंधु की मानसरोवर से होता है मानसरोवर से क्लियर है मानसरोवर से होता है अब देखो यहीं पे देख लो एक चीज पाई जाती है रोहतांग दर्रा यहां से याद रखना रोहतांग दर्रा जो है यहाँ पे अभी उसका नाम क्या बदल दिया गया है रोहतांग दर्रा का नाम क्या बदलकर रख दिया गया है अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और इसकी लंबाई जो है नाइन किलोमीटर होती है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी निम्नलिखित में से कौन सी पालीवा स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी से यहां पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं ठीक है नीलगिरी पहाड़ी कहां पाई जाती है कहां पे ये तमिलनाडु में है ठीक है तमिलनाडु में एक जनजाति पाई जाती है जो बहुत ही अभी हाल ही में न्यूज में थी वो है टोडा जनजाति जनजाति ये भी आपको याद रखना पड़ेगा अगला क्वेश्चन स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मृदा कौन सी है दोस्तों बार बार बोला जा रहा है अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए बाकी सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिया व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके मात्र पचास रुपए प्रति महीने का फीस होता है डेली आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है और क्लासेज होती हैं लाइव फिफ्टी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है काली मृदा जो है स्वतः जोते जाने वाली मृदा है मेघालय पठार मुख्य पठार से अलग होता है किसके द्वारा अलग होता है लास्ट में क्विज का क्वेश्चन किया जाएगा तो क्विज का आंसर आप सभी को मिलकर देना है और सबसे पहले ट्राई करना कि अपने आंसर देना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालदा भ्रंश द्वारा निम्नलिखित में से कौन रबी की फसलें हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बिहार ईसाई मे में भी पूछा गया ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक ठीक है सरसों और चना जो है यहाँ पे रबी की फसलें हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है राइट आंसर ऑप्शन नंबर है झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है आप सभी को पता है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार है जिसमें जीव की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आवास कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल या समझौते या अभिसमय की गाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं ये करंट का क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो के जितना आप लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और प्रैक्टिस सेट दो जो है जल्द से जल्द लाया जाएगा क्लास टाइमिंग आप सभी को पता है दोपहर में बारह बजे क्लास टाइमिंग है फिर शाम को छः बजे क्लास समय है और रात को दस बजे भी क्लास होती है हमारी लाइव क्लासेस और इन तीनों का पीडीएफ आपको व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर मिलता है सिक्सटी टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान देना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कहाँ पर है ये कैनेडा में है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था राइट आंसर ऑप्शन बस सी हो जाएगा 1972। चलो वन जीव संरक्षण से एक क्वेश्चन याद आया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ठीक है यह किस राज्य में है इसका स्टेट आपको बताना है साथ ही साथ यह कब इसका कब बनाया गया था फॉर्मेशन कब हुआ था ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है स्टेट और फॉर्मेशन जिम कॉर्बेट का क्वेश्चन नंबर उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुपोषण बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है ऑप्शन नंबर किशनगंज क्योंकि यह इसका जो सीमा होता है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पे ज्यादा अधिक वर्षा होती है निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा से बाहर से नहीं लगती है नहीं लगती है आपको बताना है बिहार से नहीं लगती है बताना है अगर आप चाहते हैं बिहार स्पेशल जीके और बिहार के लिए करंट अफेयर्स अगर मैं लाना चाहूं तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि बिहार एसआई जीके ठीक है बिहार के स्पेशल जीके साथ ही साथ बिहार का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूं अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे डिमांड ज्यादा होगी तो वीडियो लाई जाएगी सिक्सटी सिक्स का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक होगा यहाँ पे ठीक है एक से अधिक जो है लगती हैं बिहार से नहीं लगती हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन क्या है क्वेश्चन बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहां पे ठीक है क्योंकि तथ्य स्थानित तथ्य यहां पे सही है सिक्सटी सेवन का उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है स्थित है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्सटी एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉरी uh, डी हो जाएगा यहां पे बिहार में स्थित है उदयपुर वन्य अभ्यारण्य कहा स्थित है बिहार में स्थित है पश्चिम चंपारण में ठीक है पश्चिम चंपारण में, में प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार के लिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार में बिहार के खगड़िया में आपका उद्घाटन किया गया था ठीक है खगड़िया में याद रखना है आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो में भारत का स्थान क्या था मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों ने भाग लिया था तो टोटल तो 180 देशों ने भाग लेते हैं इसमें 180 देश यहां पे लिस्टेड रहते हैं जिनमें भारत का जो रैंकिंग था वो क्या था ऑप्शन बी एक था पहला क्वेश्चन पूछ जाता कि प्रथम स्थान पर कौन था तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे था कौन था नॉर्वे था दूसरा का पूछ दे तो फिनलैंड था और तीसरा देश अगर पूछ ले थर्ड वाला तो तीसरा, तीसरा नंबर कौन था वो डेनमार्क था डेनमार्क ठीक है याद रखना और भारत का पोजीशन एक सौ टोटल था कंट्री पे पार्टिसिपेट करते हैं देखिए निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया और यह क्वेश्चन पर टीका मार दो टीका लगा दो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीवी सिंधु को 2019 के लिए स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया था ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखेंगे सेवेंटी टू हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी या संबंधित है किससे संबंधित है तो मिशन कर्मयोगी जो संबंधित है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण में निर्माण से संबंधित है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपके सामने है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दो हजार उन्नीस किसने किसे प्रदान किया गया था मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है टीका लगा दो बचवा लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर डेविड दो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था अगस्त 2020 में निम्नलिखित तो में किस इस देश में सैन्य मिलिट्री कॉप हुआ था मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टीका लगाओ टीका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे ठीक है माली और यहां पे इसकी माली की राजधानी पूछेगी गई थी एग्जाम में तो इसकी राजधानी थे बोमाको याद रखना क्या है बोमा को इसकी राजधानी है माली की क्वेश्चन नंबर सेवेंटी और आज का लास्ट क्वेश्चन है जल्दी बताना आप सभी को कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे या किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया था यह आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पे ठीक है किसी किसे प्राप्त किया गया तो मैं बता रहा टोटल पांच लोग थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था ठीक है तो इनमें जो है रोहित शर्मा को भी दिया गया था विनेश फोगाट को दिया था मन मनिका बत्रा मरियपन थेगावेलू और एक नाम है रानी रामपाल इन्हें भी दिया गया था तो टोटल पांच नाम है याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में तो ये था आज का सेशन और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना और अगर आपको बिहार जीके का स्पेशल जीके चाहिए और बिहार करंट अफेयर चाहिए तो नीचे कमेंट कर जरूर मुझे बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों से लाइक कर दो और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त भी देख सके और अच्छा रिस्पांस रहा वीडियो पे अच्छे व्यूज रहे तो नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जरूर बनाया जाएगा और आज का क्विज का क्वेश्चन आपके सामने है और क्विज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग के किस प्रारूप का प्रस्ताव करती है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है और जो भी इसका सबसे पहला आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम दिखाया जाता है चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स से लेकर हम लोग वन फिफ्टी तक क्वेश्चन करेंगे तो मिलते अगले वीडियो में थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो